व्यापारी से दिन दहाड़े लाखों की लूट से हड़कंप मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा में दिन दहाड़े एक चावल व्यापारी को नशीला पदार्थ चुंगाकर बदमाशों ने एक बड़ी लूट को अंजाम देकर हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए जांच शुरू कर दी है। मुगलपुरा क्षेत्र स्थित आने वाले जामा मस्जिद रामगंगा पुल के आसपास आज दोपहर जनपद रामपुर के चावल व्यापारी के साथ हुई लाखों रुपए की लूट ने मुरादाबाद पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। पीड़ित व्यापारी मोहम्मद शोएब के अनुसार उसकी दुकान मुरादाबाद के कटरा नाच बाजार में है और वह जनपद रामपुर के टांडा का रहने वाला है। आज दोपहर चावल बेचकर जामा मस्जिद से ऑटो करके जा रहा था। उसे पता नहीं उसके साथ बदमाशों ने क्या किया। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को पुल के पास पानी भरे एक गड्ढे में पड़ा पाया। उसके पास 2.5 लाख रुपए थे जिन्हें बदमाश लूट कर फरार हो गए। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। लुटेरे उसका और सामान भी लूट कर ले गए हैं। दिन दहाड़े हुई बड़ी लूट की घटना के बाद से पुलिस के आला अधिकारी पीड़ित को जांच पड़ताल के लिए साथ लेकर घटनास्थल पहुंचे और इस लूट का जल्द खुलासा करने की बात कह रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी अमित आनंद ने बताया कि चावल व्यापारी से जानकारी ली जा रही है और टेम्पो पकड़ने वाले स्थान के आसपास से सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। वहाँ पे तो ऑटो में बैठा हूँ, वहाँ पे किसी ने मुझे ठुकाया, फिर मुझे होश नहीं आया। फिर मैं जहाँ मस्जिद के पुल के पार जाकर तो वहाँ मुझे एक लगभग एक घंटे बाद मुझे होश आया। चार बजे। क्या कारोबार है आपको? किस लिए चावल का कटरे में दुकान? कटरे में दुकान। क्या कारोबार है? चावल का। क्या आप कहाँ से आ रहे थे? आप कटरे से? मतलब कटरे से कहाँ जा रहे थे? टांडा जा। टांडे। आपके परिवार वालों को कैसे पता चला? मैंने फोन लगवाया था, तो मैंने फोन लगवाया। नहीं, एक बात बता, कितने लोग थे, किस तरीके से घटना हुई? क्या घटना? क्या किया फिर? पीछे वाले ने आके पर मुझे जो लगाया, उसके बाद मुझे पता ही चला, उसके बाद मुझे वहीं होश आया। कितने रुपए की लूट हुई आपके? एक घंटा। कितने रुपए की लूट हुई आपके? 3 लाख। 3 लाख रुपए थे आपके पास, कैश थे? तो आप कहाँ से बैठे थे टेम्पल में? आप पहले बैठे थे? वो जो जिन्होंने लूट की पहले से बैठे हुए थे। गाड़ी का कोई नंबर आपको याद? कुछ चेहरे याद है उनके? चेहरा याद है ड्राइवर का। जी, ये बताइए कि आपको खाली कुछ हथियार वगैरह लगाया था या वैसे ही? क्या किया आपके साथ? अच्छा, जब आपको होश आया तो आप कहाँ थे उस टाइम? पानी में पड़ा हुआ था। कहाँ पर? क्या नाम आपका पूरा? मोहम्मद शोएब। कहाँ के रहने वाले हैं? टांडा। अच्छा, कब से कारोबार कर रहे हैं? कितने साल हुए कारोबार? कारोबार तो हमारा करीब 35 साल हो गए। ये मोहम्मद शोएब है, रामपुर टांडा के रहने वाले हैं। इनकी दुकान है यहाँ पे कटरा में। वहाँ से ये बता रहे दोपहर में चले थे, इनके पास 3 लाख रुपये भी थे। ये जब मुगलपुरा जामा मस्जिद के पास है तो वहाँ एक ऑटो था जिसमें पहले से 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। उस ऑटो में ये बैठे और कुछ देर पे चल के इनको कुछ नशे की चीज़ सुंघा दी गई जिसके कारण ये बेहोश हो गए और इनके पास जो 3 लाख रुपए थे ये लोग लेके चले गए। जब इन्हें होश आया तो उन्होंने पुलिस को संपर्क किया। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आसपास के सीसीटीवी कैमरास को देखा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। इसमें तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई फोन करेगी।